press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन उस वक्त बाल बाल बच गई जब उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। इस घटना में जसोदा बेन समेत 3 लोग घायल हो गए जबकि उनके एक रिश्तेदार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि जसोदा बेन की कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यह दुर्घटना चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे पर बेंगू के पास काटुंडा मोड़ पर हुई। जैसे ही यह हादसा हुआ यहां मौजूद लोगों ने कार में से घायलों को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और अन्य उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और जसोदा बेन समेत सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद जसोदा बेन की हालत में सुधार है। जानकारी के मुताबिक जसोदा बेन राजस्थान के 12 जिले के अटरू में एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। शादी में शामिल होने के बाद सुबह वे अपनी कार इनोवा से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। कार में उनके रिश्तेदार समेत करीब आधा दर्जन लोग सवार थे। इस हादसे में जसोदा बेन के रिश्तेदार बसंत भाई की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर घायलों को उदयपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा कार ट्रक के बीच भिड़ंत हो जाने की वजह से हुआ। तेज रफ्तार से आ रही जसोदा बेन की कार पीछे से ट्रक से जा टकराई। इसी के चलते कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। यह भी सामने आया है कि जिस कार में जसोदा बेन सवार थी उस कार के आगे के हिस्से में बुल गार्ड लगा हुआ था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस बुल गार्ड की वजह से इनोवा कार का एयर बैग नहीं खुला जिस वजह से कार में आगे बैठे गार्ड की मौत हो गई। भारतीय हाईवे और रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने हाल ही में एक आदेश जारी करते हुए कार और एसयूवी में क्रैश या बुल गार्ड लगाने को बैन किया था। सरकार ने सभी संबंधित विभागों को इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया था लेकिन इसकी पालना नहीं हो पा रही।